बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं जी आज सदराम सखीजा साहब के साथ। वो सखीजा स्टेट जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैरियर टाउन में। तो बैरियर टाउन कराची के बारे में पूछते हैं सदराम सखीजा साहब से कि आपका बैरियर टाउन में कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ थी ऐसी जो आपको अट्रैक्ट की और आप बैरियर टाउन में आए और इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, बैरियर टाउन यूँ समझे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कराची में जो लॉन्च किया है इन्होंने आज से दो पाँच साल छः साल पहले 2014 के अंदर, और जिस तरह की स्पीड से डिलीवरी दी है बैरियर टाउन के अंदर मलिक याद साहब ने, यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह की डिलीवरी नहीं मिली। और ये हम कराची वालों के लिए एक तोहफा है, और इसको अगर अकॉर्डिंग टू साइज़ देखा जाए तो दुबई सिटी से भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और अराउंड ये जो है तकरीबन डिस्टेंस ऑफ द 40 किलोमीटर। इसके अंदर आपको तमाम एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जिसमें डैम जू है, थीम पार्क है, पाकिस्तान का सबसे अम्यूजमेंट बड़े से बड़ा पार्क यूँ समझे कि एशिया का, और उसके बाद चले जाएँ आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, और 16 होल्स गोल्फ जो है वो आपको मिलता है, और बहुत ज़बरदस्त आला तरीन लोकेशन यूँ समझे कि मरी जैसी हाइट्स आपको मिलती है हिल के ऊपर। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं एक्चुअल बैरियर टाउन के अंदर जो आप इंजॉय करेंगे, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। आप आएँ, विज़िट करें और आप देखें किस तरह का बना हुआ है बैरियर टाउन। तो हम आपको इनवाइट करते हैं कराची के बैरियर टाउन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।